विशंबर प्रसाद निषाद जी, और एक बात मैं और कहूंगा, ये पूर्ण बहुमत से और 1 लाख के पार जीत रहे हैं, 1 लाख के पार जीतेंगे। सर यहाँ 95% जनता जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार है, और जीता के जो है भेजेंगे, मंत्री बनवाएंगे उन लोगों को, हमारी जनता। आप इनके चक्कर मत पर भाजपाइयों के, इन लोगों तो बड़े बड़े चैनलों को खरीद रखा है, न्यूज नेशन, एबीपी, जितने भी बड़े बड़े चैनल, सबको इन्होंने खरीद रखा है। सिर्फ इनका फंडा है लोगों को भ्रमित करना, चूतिया बनाना, और यही सब काम इनका। विकास दुबे को योगी ने मरवाया, ये कि योगी की बोल खुल रही थी विकास दुबे के जरिए से, उसको मरवाया गया। विकास दुबे एक हिस्ट्री सीटर था या गुंडा था या एक आम आदमी था, उसी लाइन में योगी बाबा भी चल रहे थे ना। अगर विकास दुबे नहीं मारा जा रहा तो योगी बाबा की कुर्सी जा रही थी, इसके लिए उनका इनकाउंटर करवाया गया, 600 इनकाउंटर करवाया पंडितों का भी, यही योगी बाबा ने, इसीलिए 70% योग सपा को सपोर्ट कर रहा ब्राह्मण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक व्यू 24। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022। तो ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर की आया साहब विधानसभा अंतर्गत। तो आज हमारे साथ देख रहे हैं कि ये समाजवादी कार्यकर्ता है कुछ, तो अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे लेते हैं जानकारी कि उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र में उनके पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका क्या हाल माहौल है। तो ऐसे में फिर हम हाल माहौल जानने के लिए निकल पड़े हैं, तो हमारे साथ ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बंधु है, तो इनसे लेंगे जानकारी कि इनके विधानसभा के प्रत्याशी कौन है और उनका वर्चस्व क्या है और इस बार उनको क्या रिजल्ट मिलने वाला है और जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है, या कौन से विकासीय मुद्दे हैं, या इस जो विधानसभा जो इनका विधानसभा क्षेत्र है अयासा, तो कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं जो है इस विधानसभा में हैं जिससे कि इनके प्रत्याशियों को विजयी होने के उपरांत करवाना चाहिए। चलिए हम मिलाते हैं इनसे सीधा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान है जी। इरफान जी, विधानसभा कौन सा है आपका? विधानसभा मेरा जो है, मेरा विधानसभा जो 241 अयासा विधानसभा है, ठीक है, और मैं यहीं पे रहता हूँ। गाँव कौन सा? फतेहपुर। आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं कौन है जो आपके चहेते हैं? विशंबर प्रसाद निषाद जी, और एक बात मैं और कहूँगा, ये पूर्ण बहुमत से और 1 लाख के पार जीत रहे हैं, 1 लाख के पार जीतेंगे, 1 लाख के पार, 1 लाख के पार जीतेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार अपनी सीट लेके आ रही है 300 के पार। तो आपके प्रत्याशी को, जो आपके संबंधित प्रत्याशी हैं आपके विधानसभा से, तो उनको 1 लाख के पार मतों से जो है वो जीत रहे हैं, ऐसा अंदाज लगाया जाता है। और कितना कंफर्म है? ये अंदाज नहीं है, कंफर्म है। जो इन लोगों ने अन्ना जानवर करके जो इन्होंने बहुत ही परेशान किया है, ये इनको 10 मार्च को साबित कर देंगे हम लोग सब कितने हैं। अयासा की विधानसभा ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को साबित कर देगी जो इन्होंने किया है। किसानों को इन्होंने क्या किया है? किसानों के साथ में किसान आंदोलन में मारे गए, किसान कितने परिवार बेरोजगार हो गए, और ये सब क्या है? बेरोजगार हो गए, युवाओं को पल्लट चली, इनका सब कुछ जो शिकार इन्होंने किया है, युवाओं को जो मारा है, इनका हम लोग करारा जवाब देंगे, और 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से सपा सरकार बनेगी। बहुत सही, बहुत सही। विधानसभा की जो जनता है, और अगर इरफान जी हम बात करें तो आज चुनाव प्रचार का लास्ट डे है जी, पता है आपको? जी मुझे पता है। शाम को 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपके प्रत्याशियों को कितना ज्यादा प्यार और कितना ज्यादा आशीर्वाद लोगों को मिल पाएगा? भैया प्यार इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि मुझे तो लगता है कि किसी भी गांव में जो विरोधी टीम है, मैं नाम नहीं ओपन करूंगा, उनका खाता तक नहीं खुलेगा। विपरीत नहीं होगा भैया, क्योंकि यह जो गला बैठा हुआ है, सबूत है कि साइकिल चल नहीं रही, दौड़ रही है। एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो अखिलेश भैया की बनेगी, नहीं किसी की। बहुत सही। और भैया मैं ये कहूँगा कि भैया जो बीजेपी सरकार है, हम लोग हम समाजवादी हैं, समाजवादी का मतलब समान वर्ग और जितने जाति वर्ग हैं सबको लेके चलेंगे। हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना नहीं आता है,
हम लोग समान वर्ग को एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को साबित करती है और हिंदूवादी दिखाती है। हमारा हिंदू भाई अनेक खा है, कौन हो भाई? हिंदू भाई, मैं एक मुस्लिम, हमारे प्यार देखो कितना है। लेकिन इरफान जी एक मिनट, जैसा कि आपने जातिवाद की बात कही, तो अगर इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी। जी जी सुना है आपने? जी जी जी। असदुद्दीन ओवैसी का क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर या आपके समाज या आपके समुदाय के ऊपर? भैया मैं ये कहूँगा असदुद्दीन ओवैसी पे जो बीजेपी सरकार ने जो हथकंडे सब कुछ अपनाए उससे मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मुसलमान को जहाँ पे उनका दिमाग स्थित है पूर्णतः और सपा में जा रहा है, अखिलेश भैया को जिता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कोई मतलब? अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो विधानसभा चुनाव है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, आपको पता होगा। असदुद्दीन ओवैसी का आप मुस्लिम समुदाय में लहराएगा पड़ने वाला है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर असर पड़ने वाला जो है, तो देखो पहली बात तो हमारे जहां हम रह रहे हैं यहां पर उसका कोई एजेंट नहीं है, यानी कोई उसका उम्मीदवार नहीं, कोई उम्मीदवार, तो हम तो फ्री है, उसका कोई असर नहीं। लेकिन हमारे कहने का मतलब, हमारे अंदाज से ये लगता है कि जैसे कि जहां जहां पर ओवैसी जी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो ये फालतू को परेशान हो गए उतारने में, ये उतरे हैं उतर ही जाएंगे, उतारा तो उतर ही जाएंगे, और एक प्रकार से इनको आगे आगे भागने से हमारे मुस्लिम को ज्यादा लाइफ मिला रहे फालतू के। हम उस लायक तो है बदलते, लेकिन हमारा धर्म सिखाता, हमारा इस्लाम सिखाता है कि जो अपने दाएं बाएं हमारे हिंदू भाई हैं इनको प्यार से सीने में लगा करके हमको चलना चाहिए, बल्कि अपनी अकेले पालती बना करके ये कन्नी करतूत नहीं कुछ कर पाएंगे। जहां जहां भी ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं मेरे अंदाज में वो लोग जो मुसलमान है तो वैसे कहने से नहीं आएंगे, जहाँ उनका दिल भरेगा वहीं जाएंगे, वहीं वो जाएंगे। एक तो पहली बात, उत्तर प्रदेश क्या भारत में ये हो गई मुसलमान भाजपा वोट नहीं देता है, मुसलमान भाजपा वोट नहीं देता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मुसलमान वोट किसको देता है? देता तो हिंदू भाई को है, मान लो भाजपा हिंदू भाई, तो क्या अखिलेश हिंदू भाई नहीं है? अब तुम्हें भाई भाई बनने, जैसे तुलसी महाराज रामायण में कहते हैं कि जहां सुमित तहां संपत्ति ज्ञान, तुम्हें सुमित ही नहीं तो हम क्या करें, हम तुमको कैसे एक करते हैं भाई? दे तो मुसलमान हिंदू भाई कोट रहा है। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार जी, क्या लगता है आपके प्रत्याशी को कितना लाख प्यार मिल पाएगा आपके संबंधित विधानसभा क्षेत्र से, और जनता का रुझान क्या है उनके प्रति? बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे अभी बाद में पूछेंगे, तो अभी आप सिर्फ उनका माहौल बताइए, क्या माहौल है आपके प्रत्याशी का? हमारे प्रत्याशी का माहौल ये है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि विसंबर निषाद निकले, और वो निकलेंगे 100% जी। वो कैसे? क्योंकि हम प्यार है जनता, उन्हें वोट कर रही है जनता, इस समय उनके ऊपर इतना प्यार कर रही है कि अखिलेश सरकार बननी चाहिए 100%। मेन चीज ये है कि इसलिए सपोर्ट कर रही है कि जो इसके पहले विधायक थे विकास गुप्ता, उनका विकास आप इस रोड से अनुमान लगा लीजिए, कैमरा पर घुमा दीजिए, तीन बार ठीक है। और सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य को शर्म आनी चाहिए, डिप्टी सीएम को, यहाँ आते हैं और आने के बाद हर बार इसी असोथा लाइन को पास करके जाते हैं, पैसा पास कर देते हैं, पैसा वो खा के चले जाते हैं, पैसा ये पास हो गया, ये असोथा बन जाएगी। मुझे सुनने को मिला जो है, जैसा कि कवरेज के दौरान जैसे मैंने आपके विधानसभा का भ्रमण किया, तो विकास गुप्ता जी की भी बढ़िया लहर यहाँ पर देखी जा रही है। भैया विकास गुप्ता कौन का ही रहा है? लहर लहर उनका लहर का नाम कुछ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, कहीं कुछ अगर आपको देखना है आप गाँव गाँव जाइए, गाँव गाँव में देखिए, आप इनके चक्कर मत पर भाजपाइयों के, इन लोगों ने तो बड़े बड़े चैनलों को खरीद रखा है, न्यूज नेशन, एबीपी, जितने भी बड़े बड़े चैनल सबको इन्होंने खरीद रखा है, सिर्फ इनका फंडा है लोगों को भ्रमित करना, चूतिया बनाना, और यही सब काम इनका, जनता जान कुछ नहीं। विकास गुप्ता इससे पहले विधायक रहे आपके विधानसभा में, इस बार क्या उनका माहौल होगा? इस बार इतना बुरा हाल होगा कि इनकी जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। दिसंबर प्रसाद, मेरा नाम विजय पाल पासवान है जी। पासवान जी, क्या लगता है आपके जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं दिसंबर प्रसाद निषाद जी, जी क्या रहेगा उनका? अरे सर, यहाँ 95% जनता जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार है, और जिता के जो है भेजेंगे, मंत्री बनवाएंगे उन लोगों को, हमारी जनता
इतना अपने प्रत्याशी को लाड प्यार करते हैं कि ये भावुक हो गए और किस तरह से उनसे प्यार करते हैं ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये एक प्रकार से हम लगाव का ये पीड़ित हैं और या मान लीजिए कि ये इनका प्यार है जो उनके ऊपर छलक रहा है, तो आप देख सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रत्याशी को? हम अपने प्रत्याशी को कह रहे हैं कि जितनी अधिक वोट हम जीतेंगे उतनी हम मेहनत करेंगे और इस बार मंत्री पद बना के लाएंगे, क्योंकि यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ है। माननीय सांसद जी हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता की समस्याओं को निराकरण करेंगे, बाकी इस रोड को उन्होंने कह दिया बनवाने के लिए। हाँ, अभी तक आप बहुत परेशान थे। हाँ चलिए ठीक है, ये आप सुन रहे हैं इनके जनता को। एक बार हम आपको अवलोकन करवा दें कि यहाँ पर जो फतेहपुर में आया सा विधानसभा है, यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी विशंबर प्रसाद निषाद जी, एक बार आप वीडियो का अवलोकन करें और एक बार उनके काफिले का जो है आप अवलोकन कीजिए कि किस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से गाड़ियों के ऊपर गाड़ी और बहुत सारी गाड़ियाँ एक कतार में जो है और इस तरह से जो है पुरजोर उस करते हुए वो जो है पूरे दल बल के साथ अपना चुनाव और प्रसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जो है इस बार बाजी मारने वाले हैं और जैसे कि जनता उनके साथ बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रही है, तो आप देख ही सकें। तो इसके बाद मैं एक और बात बताना चाहूँगा। बात ये है कि जो ये बीजेपी सरकार है ये जुल्मी शासन और गुंडागर्दी की सरकार है और मैं ये बताऊंगा कैसे। ये बताइए, अभी आपने कहा गुंडागर्दी की सरकार, सारे गुंडों को तो उन्हें मार मार के अंदर कर दिए। उन्हीं को मारे जो उनकी पोल खोल रहे थे। विकास दुबे को योगी ने मरवाया, योगी की पोल खोल रही थी विकास दुबे के जरिए से, उसको मरवाया गया। विकास दुबे एक हिस्ट्री सीटर था या गुंडा था या एक आम आदमी था, उसी लाइन में योगी बाबा भी चल रहे थे ना। अगर विकास दुबे नहीं मारा जा रहा तो योगी बाबा की कुर्सी जा रही थी, इसके लिए उनका इनकाउंटर करवाया गया। कर चलिए ठीक है, विकास दुबे की अगर बात है तो उसके बाद दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, बहुत सारे ऐसे दबंग जो भू माफिया 600 पंडितों का इनकाउंटर बीजेपी ने करवाया है यूपी में, इसलिए बीजेपी 70% सपा को सपोर्ट कर रहा है। 600 इनकाउंटर करवाया पंडितों का यही योगी बाबा ने, इसीलिए 70% सपा को सपोर्ट कर रहा है ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग जो है खपा है बीजेपी से, 70% वोट कर रहा है सपा को ब्राह्मण। ब्राह्मण जी और भैया इनकी बात, एक मिनट इनकी बात आप सुने कि 70% ब्राह्मण इस बार जो है सपा को सपोर्ट कर रहा है। आपके विधानसभा में कितने परसेंट ब्राह्मण है? हमारे विधानसभा में ब्राह्मण ये मालूम नहीं कितना परसेंट है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ पर 70% उसको सपा को ही सपोर्ट कर रहा है, सपा को सपोर्ट जी। तो आपके प्रत्याशी का क्या हाल माहौल रहेगा 10 मार्च को? यहाँ पर जो भी जितना भी लोधी है सब समाजवादी पार्टी वोट कर रहा है। हाँ जी, पूरा समाजवादी पार्टी जी, यानी कि आपके जो प्रत्याशी विशंबर प्रसाद निषाद जी जी, तो क्या रोल रहेगा उनका फिर? यहाँ से जीत के जाएंगे, लाखों लाख वोटों से जीतेंगे। ये आप सुन रहे थे फतेहपुर की आया साहब विधानसभा की जनता को। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जिससे हम आपको सीधा रूबरू करवाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों।